बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम प्लांट का एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं वो शुरू करने जा रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट के अंदर एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट जो हैं अपनी कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करते हैं। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और हम आज के इस वीडियो लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन, इसकी टाइप्स, लोकेशन और इसमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन्वॉल्व हैं उनकी बात करेंगे। और इस तरह इसको हमने मुख्तलिफ छोटे छोटे वीडियो लेक्चर्स में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। तो आज इस फोटोसिंथेसिस सीरीज़ का पहला लेक्चर जो है वो है। In this lecture, we will discuss about the introduction of a photosynthesis, its type, location, and photosynthetic pigment. Let us start with what is photosynthesis. The photosynthesis is a process in which autotrophic organisms synthesize their organic compounds from the simple inorganic nutrients. So, ye फोटोसिंथेसिस जो है ये फोटो मीन लाइट, सिंथेसिस मीन पुट टुगेदर, तो मतलब हुआ कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म विच हैज़ दोज ऑर्गेनिज्म विच हैज़ एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय सिंपल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, तो उनको हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। तो ये एक्चुअली प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और उनकी इस एबिलिटी की वजह से इनको ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं इसमें, हमारे पास ये देखिए वाटर हो सकता है, वाटर इज एन इनऑर्गेनिक, कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक, और मिनरल्स जो हैं वो चाहिए होती हैं जो कि प्लांट जो है वो अपनी रूट से एब्जॉर्ब करता है। और इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, पर्टिकुलरली क्लोरोफिल और इसके साथ दूसरे पिगमेंट होते हैं, और फिर रेडिएशन एनर्जी जो है वो भी चाहिए होती है। तो एक्चुअली ये जो रेडिएशन एनर्जी है उसी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, तो इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर केमिकल एनर्जी फॉर देयर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबको केमिकल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो केमिकल एनर्जी से पूरी करते हैं। तो ये केमिकल एनर्जी जो प्लांट खुद बना सकते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ कहा जाता है, जो नहीं बना सकते उन्हें हेटरोट्रॉफ कहा जाता है। तो द प्रोसेस इन विच रेडिएशन एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ द स्पेसिफिक ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली शुगर, स्टार्च एंड अमाइनो एसिड एंड लिपिड्स, इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। तो ये हम देखिए जरा, यहाँ पे ये इक्वेशन है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल लाइट जो है वो इसमें पार्ट प्ले करेगी, सनलाइट एनर्जी जो है वो यूज होगी, और क्या होगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये फिक्स हो जाएगी, शुगर्स एंड अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना देगी, और साथ में ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट जो है वो रिलीज होती है। तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है ये ऑक्सीजन को इवॉल्व करने का भी एक प्रोसेस होता है। तो ये था इसके फोटोसिंथेसिस का बेसिक इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम चलते हैं इसकी टाइप्स पे। तो बेसिकली इसकी दो टाइप जो हैं वो बनाई जाती हैं on the basis of the gas evolved during the photosynthesis, मसलन ये जैसे ये है oxygenic photosynthesis है और non-oxygenic photosynthesis है। oxygenic photosynthesis इसलिए कहते हैं कि इसमें oxygen जो है वो evolve होती है, अभी हमने equation देखी है, अगर इसकी बजाय कोई और gas evolve होती हो जैसे sulfur gas बाज़कात evolve होती है तो उसे हम non-oxygenic कहते हैं। in oxygenic photosynthesis source of oxygen evolution is a water, ये जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड हम यूज़ करते हैं ऐसे रॉ मटेरियल, उसमें से जो वाटर होता है वहाँ से ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है। और इन नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस सोर्स ऑफ
सल्फर एवोल्यूशन इज द हाइड्रोजन सल्फाइड, ये वाटर की जगह पे हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं और एज ए रिजल्टेंट सल्फर गैस रिलीज करते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं उनको ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, और जिसमें और कोई गैस रिलीज होती है जैसे अभी हमने बात की कि सल्फर गैस रिलीज होती है तो उसको हम नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो अगर हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो ये सारा जो प्रोसेस हमें आज पता है किस तरह होता है, तो इसके पीछे जो है मुख्तलिफ लोगों की इसमें कंट्रीब्यूशंस हैं। तो पहली कंट्रीब्यूशन जो है वो स्टीफन हेल्स की हैं और ये इन्होंने कहा था कि प्लांट असिमिलेटेड एयर, अब वह उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड का भी इलम नहीं था, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि ये एयर से अपनी खुराक जो है वो बना लेते हैं प्लांट्स। जोसेफ प्रेस्टले जो है उन्होंने कहा था कि प्लांट्स कैन प्यूरिफाई एयर, क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज होती थी तो उन्होंने इसको कहा कि ये प्लांट जो हैं ये एयर को प्यूरिफाई भी करते हैं इसमें, क्योंकि वो ऑक्सीजन जो है वो ऐड करते हैं एयर में। तो ये उनकी कंट्रीब्यूशन थी। जॉन इंजन हाउस, इट वाज डिपेंडेंट ऑन लाइट, कि ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये लाइट डिपेंडेंट है, प्लांट जो हैं वो लाइट डिपेंडेंट है, अगर उनको लाइट मिलती है तो फिर वो अपनी फोटोसिंथेसिस की या अपनी खुराक बनाने की सलाहियत जो है वो उनकी होती है। जीन सेनिवर, फिक्स्ड एयर, जैसा कि हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट एयर से लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इस तरह पियर जॉस पेटलर जो है इन्होंने कहा कि क्लोरोफिल पिगमेंट इज इन्वॉल्व, कि कोई ना कोई एक पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है। और हुगो वान मोहल ने कहा कि ये क्लोरोप्लास्ट जो हैं ये एक ऑर्गेनेलिस हैं जो कि प्लांट्स के अंदर होती हैं। और उसके बाद जूलियस रॉबर्ट मेयर ने प्लांट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, तो इन्होंने ये इसके एक्चुअली डेफिनेशन जो है ये कंप्लीट कर दी है कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जूलियस वॉन सैक्स ने कहा कि ये स्टार्च ग्रेन्यूल्स आर द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, के फोटोसिंथेसिस की जो प्रोडक्ट हैं वो स्टार्च ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो ये आप अगर इनको सबको मिला के देखेंगे तो ये पूरा प्रोसेस जो है ये फोटोसिंथेसिस का यहाँ पे बन जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी लोकेशन से कि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एक्चुअली होता कहाँ पे है। तो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तो ये जो उनसा भी ग्रीन पार्ट होगा प्लांट का वहाँ फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो होता है। मेनली चूंकि ग्रीन पार्ट जो हैं वो लीव्स होते हैं, तो मेन जो इसकी फोटोसिंथेटिक फैक्ट्री है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है वो लीव्स होते हैं, और आजकल जो ब्रांचेस ग्रीन होती हैं या जो स्टेम जो ग्रीन होते हैं वहाँ भी फोटोसिंथेसिस का जो है प्रोसेस होता है। तो अब चूंकि ये हमने लीफ कहा है, लीफ एक ऑर्गन है, तो इस ऑर्गन के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये उसका ट्रांसवर्स सेक्शन है जिसमें ये इसके ऊपर ये क्यूटिकल की लेयर है और उसके नीचे ये जो पर्पल कलर में दिखाई हुई है ये एपिडर्मस है। एपिडर्मस के बाद यहाँ पे सेल्स की लेयर आती है विच इज़ नोन एज पैलिसाइड मीजोफिल, और दो तरह की मीजोफिल होगी, पैलिसाइड मीजोफिल और स्पॉन्जी मीजोफिल। और ये जो राउंडेड किस्म के सेल्स हैं ये जो कॉलमुलर सेल्स हैं ये पैलिसाइड मीजोफिल है, और ये जो ये वाले सेल्स हैं ये वाले ये स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स हैं। तो आप अगर देख रहे हैं कि इनके अंदर ये जो डॉट्स दिए हुए हैं ये एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट हैं। तो एक्चुअली जिन सेल्स के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट होंगे उन सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होगा। तो चूंकि लीफ जो है इसके अंदर ये जो मीजोफिल सेल्स हैं इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। और यहाँ पे इसकी जो है वो लोअर एपिडर्मस है और यहाँ पे ये पोर्स हैं विच आर नोन एज स्टोमाटा, स्टोमा और स्टोमाटा, और ये इसका वेस्कुलर टिश्यू होता है। तो बेसिकली लीफ जो है वो फोटोसिंथेटिक टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू से दो तरह के टिश्यू इसके अंदर होते हैं। तो फोटोसिंथेटिक टिश्यू में जो मेन टिश्यू इसके अंदर से होते हैं उन्हें मीजोफिल सेल्स कहा जाता है, विच आर फर्दर डिवाइडेड इंटू पैलिसाइड मीजोफिल एंड स्पॉन्जी मीजोफिल। क्यों? चूंकि इनके अंदर खास किस्म की ऑर्गेनेलिस होती हैं और इन ऑर्गेनेलिस के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है।
तो इसलिए इन लीव्स को फोटोसिंथेटिक फैक्ट्रीज कहा जाता है। तो ये हम डिस्कस करेंगे कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अभी हमने देखा कि वो मीजोफिल सेल जो हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, तो ये क्लोरोप्लास्ट वो प्रोसेस है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। तो वेरियस शेप्स इसकी हो सकती हैं, स्फीरॉयड, ओवॉयड, डिस्कॉयड, कप शेप्ड एंड स्पायरली क्वाइड, मुख्तलिफ किस्म के ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली देयर साइज रेंजेस फ्रॉम 1 to 2 माइक्रोमीटर थिक एंड 5 to 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। और अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो इट्स आउटर मेम्ब्रेन कंसिस्ट इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो दैट कंसिस्ट ऑफ आउटर मेम्ब्रेन, ये एक बाहर की मेम्ब्रेन होती है, और फिर इनर मेम्ब्रेन और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन या आउटर एनवलप ये वाली, और ये अंदर जो है ये वाली, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और दरमियान में ये जो स्पेस यहाँ पे दिखाई हुई है दैट इज अ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो अब ये इसकी एनवेलप है और इसके अंदर जो है वो ग्राउंड फ्लूइड होता है विच इज नोन एज स्ट्रोमा। ये सारा यहाँ पे ये जो लाइट येलो कलर में दिखाया हुआ है ये सारी जो है ये स्ट्रोमा है, और इसके साथ ये वाली जो चीज़ें हैं ये वाली स्टैक मेम्ब्रेन्स होती हैं, और ये जो पूरा एक स्टैक मेम्ब्रेन्स पड़ी हुई हैं दैट इज नोन एज ग्रैनम और ग्रैनम लिमेली। ये है ग्रैनम, ये वाला है ग्रैनम, ये वाला ये स्टैक मेम्ब्रेन, ये है ग्रैनम और ये ग्रैनम और ये ग्रैनम, ग्रैना इसकी जमा है। तो ये ग्रैनम ये और दर एक ग्रैनम जो है वो दूसरी ग्रैनम के साथ अटैच होती है जिसको स्ट्रोमा लिमेली भी कहा जाता है। ये स्ट्रोमा लिमेली है, और ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर नोन एज थिलाकॉइड्स। ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो हैं दीज आर नोन एज थिलाकॉइड, और यहाँ पे ये एक ग्रैनम दिखाई हुई है और यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर थिलाकॉइड का है, और थिलाकॉइड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। ये बाहर वाली जो है इसकी मेम्ब्रेन कहलाती है, और इसके अंदर जो कैविटी है दैट इज नोन एज ल्यूमन। तो थिलाकॉइड के दो पार्ट होते हैं, एक है थिलाकॉइड मेम्ब्रेन और दूसरी है थिलाकॉइड ल्यूमन। तो इसमें इसके अलावा चूंकि ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है, इसका अपना डीएनए होता है और साथ इसके अपना आरएनए और राइबोसोम्स भी होते हैं, और इसको ऑर्गेनेलीज ऑफ सिम्बायोटिक ओरिजिन भी कहा जाता है, और इस डीएनए की वजह से इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज भी कहा जाता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है जिसके अंदर ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। इसकी मुख्तलिफ लोकेशन के अंदर फोटोसिंथेसिस के मुख्तलिफ रिएक्शन जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे होते हैं, जो कि हम जिक्र करेंगे कि कौन सा रिएक्शन जो है वो कहाँ पे होता है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो हैं वो कहाँ पे होते हैं और क्या क्या होते हैं। लाइट एब्जॉर्बिंग कंपाउंड्स आर नोन एज पिगमेंट्स। तो बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। वो क्लोरोफिल्स होते हैं, कैरोटीनॉइड्स हैं और फाइकोबिलिन्स हैं। तो पहले हम क्लोरोफिल्स को देखते हैं। द ग्रुप ऑफ द पिगमेंट्स दैट गिव्स द करेक्टरिस्टिक ग्रीन कलर टू द प्लांट। प्लांट का जो कलर है ग्रीन होता है, वो जिस वजह से ग्रीन होता है उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल्स आर ऑफ फाइव डिफरेंट टाइप्स, जिसमें जो इंपॉर्टेंट हैं वो क्लोरोफिल ए और बी हैं। क्लोरोफिल ए इज प्रेजेंट इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट बैक्टीरिया, सब में होता है, चूंकि ये बैक्टीरिया के अलावा ये सारे जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हैं वहाँ पे ये क्लोरोफिल ए होता है। चूंकि ये क्लोरोफिल ए जो है ये नेसेसरी पिगमेंट में आते हैं, अभी बात करेंगे। क्लोरोफिल बी इन प्लांट्स एंड ग्रीन एल्जी, प्लांट्स में भी होता है और ग्रीन एल्जी में होता है, जबकि क्लोरोफिल सी डी एंड ई इन सम एल्जी, और कुछ एल्जी जो है उनके अंदर बाकी ये जो मुख्तलिफ किस्म की एल्जी है उनमें ये सी डी और ई जो हैं वो क्लोरोफिल होते हैं। तो बेसिकली एक्चुअली जो पिगमेंट्स हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, नेसेसरी पिगमेंट और एक्सेसरी पिगमेंट। नेसेसरी पिगमेंट जो हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, जिनसे रिएक्शन इनिशिएट होता है, और वो होते हैं क्लोरोफिल ए
और एक्सेसरी पिगमेंट जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं हैंडेड ओवर टू द क्लोरोफिल ए, और बाकी सारे ये जो हैं कैरोटीनाइड्स हैं, ये क्लोरोफिल बी है या बाकी जो क्लोरोफिल्स हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद वो अल्टीमेटली क्लोरोफिल ए को देते हैं। तो लिहाजा क्लोरोफिल ए जो है वो नेसेसरी पिगमेंट कहलाता है और बाकी सारे जो हैं वो एक्सेसरी पिगमेंट कहलाते हैं। तो अगर हम इस क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखें तो क्लोरोफिल कंटेन आ मैग्नीशियम आयन इनकेस्ड इन अ लार्ज रिंग स्ट्रक्चर नोन एज क्लोरिन। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है क्लोज रिंग स्ट्रक्चर है ये वाला, और इसके अंदर मैग्नीशियम है और इस मैग्नीशियम आयन की वजह से ये सारा जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ नोन एज क्लोरिन। एक्चुअली क्लोरिन जो है ये पोरफायरीन जो इसमें हीमोग्लोबिन में होता है उसकी ये रिड्यूस फॉर्म होती है, ये उसी तरह का स्ट्रक्चर है। द क्लोरिन रिंग इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड डिराइव फ्रॉम द पाइरोल, और ये जो पाइरोल रिंग्स होते हैं ये चार पाइरोल रिंग्स हैं और जिनकी मदद से ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये बना हुआ है, पोरफायरीन रिंग बना हुआ है, और ये उसी तरह का है लेकिन इसको पोरफायरीन रिंग की बजाय इसका प्रॉपर नेम जो है वो क्लोरिन है। फोर नाइट्रोजन एटम्स फॉर्म द क्लोरिन सराउंडेड एंड बाइंड द मैग्नीशियम आयन। तो ये सारे जो चार ये पाइरोल रिंग्स हैं इनको नाइट्रोजन चारों के साथ नाइट्रोजन ने इस मैग्नीशियम आयन को यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है दैट इज नोन एज हेड, और ये हाइड्रोफिलिक होता है, और यहाँ इसके साथ एक और चेन होती है जिसे फाइटोल चेन कहते हैं। और ये जो इस चेन को टेल भी कहा जाता है, और दिस टेल इज लिपिड सॉल्यूबल एंड हेल्प टू एंकर द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इन द थैलाकोइड मेम्ब्रेन। और ये चूंकि ये जितने भी पिगमेंट्स हैं ये सारे के सारे थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, तो थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर इस क्लोरोफिल को एंकरेज में ये हेल्प करती है ये वाली फाइटोल चेन, इसके साथ ये उसके अंदर एम्बेडेड होता है, ये वाला जो है ये एम्बेडेड स्ट्रक्चर है और ये एंकरेज के लिए इस्तेमाल हो करता है, थैलाकोइड मेम्ब्रेन में एंकरेज होती है इसकी वजह से। और मुख्तलिफ किस्म के जो क्लोरोफिल हैं उनमें ये जो आर स्ट्रक्चर है यहाँ पे चेंज होती है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर है C55H72O5N4Mg। तो अगर ये आर जो है अगर CH3 हो, यहाँ पे अगर CH3 होगा तो फिर ये क्लोरोफिल ए है, अगर ये CHO ग्रुप यहाँ पे अटैच कर दिया जाए तो फिर ये क्लोरोफिल बी होगा। तो ये इस हमारे पास स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल का। तो बाद हम स्ट्रक्चर देखते हैं कैरोटीनॉइड्स का, दे आर लिपिड सॉल्यूबल हाइड्रोफिलिक कंपाउंड्स। कैरोटीनॉइड्स एक्चुअली जो हैं ये कंसिस्ट ऑफ दो तरह के जो कंपाउंड्स हैं उनको मिला के कैरोटीनॉइड्स कहा जाता है, जिसमें कैरोटीन्स और जैंथोफिल्स होती हैं। तो कैरोटीन्स परफॉर्म टू मेजर रोल्स, कैरोटीनॉइड्स परफॉर्म टू मेजर रोल्स इन द प्लांट। एक तो जैसे अभी हमने बात की है कि ये एक्सेसरी पिगमेंट के तौर पर एक्ट करता है, और ये लाइट या एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ये एनर्जी जो है ये क्लोरोफिल ए को प्रोवाइड करता है, और दूसरा इसका फंक्शन है फोटो प्रोटेक्शन, दे प्रोटेक्ट द फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन फ्रॉम द हाइट लाइट इंटेंसिटी। जब लाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उससे बचाव के लिए प्लांट जो है वो अपने कैरोटीनॉइड्स को भी इस्तेमाल करता है। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया था कि कैरोटीनॉइड्स आर ऑफ टू काइंड्स, एक कैरोटीन्स होती हैं और दूसरा जैंथोफिल। दीज आर द प्योर हाइड्रोकार्बन्स, बीटा कैरोटीन्स इज द मेजर कैरोटीनॉइड्स फाउंड इन द प्लांट टिश्यू दैट गिव रेड और रेड टू ऑरेंज कलर। तो ये इसका स्ट्रक्चर है बीटा कैरोटीन्स का। तो आप इसे देखिए कि ये एक सिंपल हाइड्रोकार्बन चेन है जिसमें ये रिंग स्ट्रक्चर भी है और बाकी सारे जो हैं इसमें CH3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो जबकि जब हम जैंथोफिल की बात करेंगे दीज आर द ऑक्सीजन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन, तो इसमें ऑक्सीजन नहीं थी, यहाँ पे जो है ये OH ग्रुप है और इधर भी OH ग्रुप है, ये इसका मिलता जुलता स्ट्रक्चर है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन होती है। और ये हमारे पास तीन एग्जाम्पल जो हैं ये जैंथोफिल की हैं, ल्यूटीन एक है, क्रिप्टोजेंथिन है और जियाजेंथिन है, ये तीनों जो हैं ये जैंथोफिल्स हैं, और ये भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, मुख्तलिफ वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और अल्टीमेटली अपनी एनर्जी जो है वो क्लोरोफिल ए को प्रोवाइड करते हैं।
ये थर्ड कैटेगरी में हमारे पास है फाइकोबिलन्स। ये जो है इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड रेड एंड ब्लू ग्रीन एल्जी प्रोटीन पिगमेंट कॉम्प्लेक्स इज फाउंड कॉल्ड बिली प्रोटीन्स। तो इनको बिली प्रोटीन्स कहा जाता है। एक्चुअली ये बिली प्रोटीन जो है इसके दो हिस्से होते हैं, एक इसका पिगमेंटेड पार्ट होता है और एक प्रोटीन पार्ट है। द पिगमेंट पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड फाइकोबिलन्स, जो लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट, लाइट एब्जॉर्बिंग जो है इसका हिस्सा, जो पिगमेंट है जो लाइट एब्जॉर्ब करता है वो है फाइकोबिलन। और एक प्रोटीन होती है उसके साथ ये अटैच है। इट इज स्ट्रॉन्गली अटैच टू द प्रोटीन एंड एब्जॉर्ब लाइट इन द रेंज ऑफ द वेवलेंथ विच इज नॉट एब्जॉर्ब बाई द क्लोरोफिल। तो ये उस रेंज में उस रेंज की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करती हैं जो क्लोरोफिल नहीं कर सकता। तो एक्चुअली ये जो एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं इनका फंक्शन ही ये होता है कि मुख्तलिफ किस्म के वेवलेंथ की लाइट जो कि नेसेसरी पिगमेंट क्लोरोफिल या इसके दूसरे जो क्लोरोफिल है वो ऑब्जॉर्ब नहीं करते। तो चूंकि सन से जो विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम है वहाँ से जो लाइट आती है वो अप्रॉक्सीमेटली 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक आती है। तो इस रेंज में कोई ना कोई ऐसा पिगमेंट ज़रूर होता है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो इसी तरह ये सारी बातें हम इसके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर दोबारा इनको डिस्कस करेंगे। तो ये जो फाइकोबिलन्स हैं इसकी दो टाइप्स होती हैं, फाइकोसायनिन और फाइकोएरिथ्रिन्स। फाइकोसायनिन जो है इट गिव्स ब्लू लाइट ब्लू कलर्स, इसके और भी शेड्स होते हैं, ये डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीशीज है। और फाइकोएरिथ्रिन जो है ये रेड कलर जो है इसका होता है। और यहाँ इसका स्ट्रक्चर जो है ये फाइकोरिथ्रीन का स्ट्रक्चर यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। और देखिए ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है और इसमें अगर ये हिस्सा जो है इसको यहाँ पे CH है और CH2 है, इसको CH3 और CH2 में रिप्लेस कर दिया जाए और यहाँ पे अनसेचुरेटेड बॉन्ड जो है वो यहाँ पे लगा दिया जाए तो फिर ये स्ट्रक्चर जो हमारे पास ये फाइकोसायनिन का हो जाएगा। तो ये फाइकोरिथ्रीन और फाइकोसायनिन में थोड़ा सा डिफरेंस है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो इस तरह ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की फाइकोबिलिन प्रोटीन्स हैं। तो ये है सारा जो कि हमारे पास पिगमेंट सिस्टम हैं जो कि किस तरह फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं। ये था सारा आज के इस पिगमेंट के बारे में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम तो एक स्टेप आगे चलेंगे और बताएंगे कि ये पिगमेंट जो हैं ये किस तरह फंक्शन परफॉर्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।